नवी मुंबई मनपा के नेहरू अस्पताल में संपन्न हुआ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। हर रोज 5,000 लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश में मनपा। आज नवी मुंबई नेहरू के मनपा अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग दी गई। वैक्सीन उपलब्ध होने पर उसे आम जनता तक कैसे पहुंचाना है, वैक्सीन सेंटर पर किस तरह से लोगों को हैंडल करना है, इन सभी बातों की जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई। इस अवसर पर ड्राई रन का निरीक्षण करने पहुंचे नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध होने पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम नवी मुंबई में एक दिन में करीब 5,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं। कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए पूरे शहर में, पूरे स्टेट में आज मॉकड्रिल यहाँ पे प्लान की गई। उसमें नेहरू हॉस्पिटल में हमारा पूरे सिटी का जो वैक्सीनेशन का मॉकड्रिल था वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए सेंटर का जो लेआउट होता है, उस लेआउट के आधार पे वैक्सीनेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोग आएंगे, उनका फ्लो किस तरह से होना चाहिए, मैनपावर जो ट्रेन की गई है उनका मैनपावर का ट्रेनिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं, और पूरे वैक्सीनेशन के आधार पे जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं जिसमें कुछ डाउट्स हो सकते हैं, क्लैरिफिकेशन हो सकते हैं जो हमें देने चाहिए, या फिर कुछ डाउट्स हमारे भी हो सकते हैं जो हम स्टेट से कन्फर्म करके ले सकते हैं, ये उद्देश्य है जिसकी वजह से ये मॉकड्रिल यहाँ पे प्लान की गई और एग्जीक्यूट की गई है। मुझे विश्वास है कि इस मॉकड्रिल के जरिए वैक्सीनेशन के लिए हमारी तैयारी पूरी हो रही है। एज एंड व्हेन वैक्सीन्स आर अवेलेबल वी स्टार्ट विद द वैक्सीन एक्चुअल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।